ओके okay. सो so, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोगों ने किसी एक मार्केट का एमोजोन अपने सामने ओपन करना होता है ताकि हम वहां के लोगों की साइकोलॉजी को समझ सके सिंपल इज दैट कि आप लोग लोकल बाजारों में या मार्केट्स में भी जाके शॉपिंग करते हैं और जब आप वहां जाते हैं तो वहां के जो भी दुकानदार हैं उन्हें पता है कि आप क्या खरीदेंगे अब अमेरिका में मौजूद जो पर्सन है उसने अपने दुकानों पे वही रखा होगा जो अमेरिकन बाय करते हैं अगर आप यहाँ लाहौर चले जाएं तो लाहौर में वही चीजें बिकेंगी जो वहां के लोग पसंद करते हैं फिर उसमें भी गांव एरिया के लोग गांव एरिया के लोग जो हैं वो सब्जी का रेट बहुत सस्ता होता है कि उनके साथ खेत होते हैं लेकिन वही सब्जी हमारे लाहौर कराची के बड़े शहरों में इस्लामाबाद जैसे इलाकों में डबल ट्रिपल अमाउंट भी बिकती है यानी कहने का मकसद ये है अपार्ट फ्रॉम के प्राइस बैलेंस नहीं है लेकिन जो मार्केट होती है उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी होती है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरम कपड़े नहीं बिक सकते हमारे इराके में यानी यहाँ विद इन मैं स्पेशल लाहौर की बात करूं यहाँ पंजाब की तो हमारे सर्दी इतनी नहीं पड़ती लेकिन कोयटा साइड पर चले जाएं

बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाते हैं या यूके में ठीक है तो वहां पर वो प्रोडक्ट्स चलेंगी सिमिलरली रेनी एरियाज के अंदर रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और लाइफ जो हैं उससे जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स चलेंगी तो हम मार्केट को सब तक नहीं देखेंगे कि कौन क्या बेच रहा है हम वहां के लोगों को या वहां की चीजों को नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बेचना है किसी ने लास्ट टाइम भी ये बात पूछी थी कि हम ये डिलीवरी एड्रेस क्यों चेंज कर रहे हैं जबकि हम तो पाकिस्तान में हैं। हम पाकिस्तान में है लेकिन हमने काम पाकिस्तान में नहीं करना क्योंकि एमेजोन पाकिस्तान में काम करना अलाउ नहीं करता अभी अभी आपने अमेरिका में काम करना है पाकिस्तान से बैठे हुए वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी लेकिन पहले स्टेप के तौर पर पहला स्टेप जो है हम लोगों का वो होता है कि प्रोडक्ट क्या बेचनी है प्रोडक्ट किसको बेचनी है ठीक है आपको समझ आ गया मेरे ये दोनों पॉइंट्स चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें प्रोडक्ट क्या बेचनी है प्रोडक्ट किसको बेचनी है व्हाट वी शुड सेल and to whom we should be selling? सेलिंग you know, what is our target audience? Product क्या बेचनी है Product किसको बेचनी है ठीक है नहीं ऐसे नहीं एग्जैक्ट exactly यही वर्ड्स लिखे चैट बॉक्स में प्रोडक्ट क्या बेचनी है प्रोडक्ट किसको बेचनी है जी बिल्कुल प्रोडक्ट क्या बेचनी है प्रोडक्ट किसको बेचनी है यस वट इज आवर टारगेट प्रोडक्ट एंड वट इज आवर टारगेट ऑडियंस ये दो चीजें आ जाती हैं अच्छा प्रोडक्ट क्या बेचनी है और किसको बेचनी है ये तभी पता चलेगा जब हम लोगों ने जिनको बेचना है वो अमेरिका है या यूके है या ऑस्ट्रेलिया है या यूएई है मेरे स्टूडेंट्स को मैं थ्रू आउट कोर्स में अमेरिका से रिलेटेड चीजें ही पढ़ाती हूँ कि अमेरिका में ऐसे होना है अमेरिका की ही कोई स्टेट में हमने कंपनी बनानी है अमेरिका में ही हमने सेलिंग करनी है और एंड पे मुझे एक दफा बल्कि कई दफा मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम दुबई का क्लाइंट मिला है यू का मार्केट का क्लाइंट मिला है मैं, मिला, का का मिला, मैं क्या करूँ मैं उसे यही कहती हूँ कि आप उसकी अक्ल में ये बात डालो कि प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि इतना ढेर सारा तेरह हजार चौदह हजार डॉलर जाया करके यूएई के अंदर फिर अमेरिका में काम करने पे राजी हुए लॉस के बाद आप उन्हें समझाए कि सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है हमें वही काम करना चाहिए क्योंकि वहां पर आपके फेलियर के चांसेस तो हैं वो तो हर बिजनेस में होते हैं लेकिन सक्सेस के चांसेस फेलियर से भी कई गुना बड़े हैं क्योंकि मार्केट बड़ी है कंपटीशन बेशक बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर क्योंकि सारे वहां सेल कर रहे हैं सिक्सटी परसेंट लेकिन सिक्सटी सिक्स परसेंट लेकिन पॉइंट ये भी है कि जब वहां सबकी दुकान चल रही है तो आपकी भी चलेगी बट आपने ये देखना है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कस्टमर के नीड हो कस्टमर की जरूरत हो ठीक है आप मेरी बात समझ रहे हैं इसीलिए हम सबसे पहले डिलीवर ट्रू को यहां पर न्यूयॉर्क कर सकते हैं या अमेरिका की कोई भी फेमस स्टेट को भी फ्लोरिडा मिशिगन अब ये वन जीरो जीरो वन तो इसका कोड है ना स्टेट का अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सिंपल गूगल पे लिखें ठीक है कोड्स फॉर यूएसए ठीक है और हेलो वो बस कहते हैं ना कुछ दिन जब इंसान के बुरे होते हैं तो वो बिल्कुल ही बुरे हो जाते हैं पता नहीं मेरा आता रहता है पर कुछ मसला बना है जो वो बंद हो रहा है और आ रहा है और जा रहा है अभी फिर से कनेक्ट हो गया वैसे मैंने हॉटस्पॉट भी ओपन करा था लेकिन ये अभी कनेक्ट हो गया अच्छा चलें खैर सॉरी आप लोगों को मैं बता रही थी आ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में के हमने कौन सी जो है वो चूज करनी होती है मैं आपको बता रही थी पोस्टल कोड्स फॉर यूएसए मैंने तो न्यूयॉर्क लिखा है ना अगर आप स्पेशली किसी ओके ओके आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ये पोस्टल कोड्स तो मैंने कहा था कि मैंने अमेरिका का पोस्टल कोड लिखा है ना तो आप पोस्टल कोड्स किसी भी किसी और स्टेट का आपके दिमाग में आ जाता है कि जी मैं फ्लोरिडा चेक कर लेता हूँ मिशिगन चेक कर लेता हूँ ठीक है तो ये देखें अलाबामा अलास्का एरिजोना तो इन सब के कोर्ट जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे आप यहाँ से किसी और का भी कॉपी करके लिख सकते हैं न्यूयॉर्क कोई जरूरी नहीं है बट हम यूजली न्यूयॉर्क लिखते हैं एक तो आसान है याद करने में और इसके अलावा अच्छी स्टेट है पीपल आर रिच ओवर देयर अमीर लोग हैं और बाइंग सेलिंग होती है अगर आपने यूके का देखना है तो फिर आप यूके के पोस्टल कोड्स भी लिख सकते हैं ठीक है से आपको वहां की जैसे ये लंदन है उसका मानचेस्टर है उसका ठीक है इस तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्स जो है वो यूके के हवाले से भी मिल जाएंगे लंदन का या मैं, मैं से, उसके लिए भी मैं मानचेस्टर का ज्यादातर यूज करती हूँ बट हायर यूके में वी डोंट वर्क अलॉट तो अमेरिका के हिसाब से ये ठीक है ठीक है इतनी बात समझ आ गई है आर यू विद मी बीच में काफी ज्यादा कनेक्शन खराब हो रहा था ये तो नहीं के सारे चले गए हैं प्लीज मुझे बता दें ठीक हो गया बेटर की स्पेलिंग बी ई डबल टी ई आर होते हैं आप लोगों ने अभी मेरे साथ जब ये स्टार्ट किया है ना कोर्स तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं नाउ इज द टाइम कि आपने अभी से अपने दिमागों को ट्रेन करना है कि आप प्रोफेशनल्स हैं आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद खुद को प्रोफेशनल नहीं बनाना। आज जब आपने पहला क्लास ले स्टूडेंट्स मेरे साथ, तो साथ नेग्लेजेंस शो करते हैं बिकॉज अब मैंने डिसाइड कर लिया है पहले मैं कहती थी इट्स ओके बट नो मैंने देखा है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका स्टाइल यानी बात करने का स्टाइल उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना और हमारे रिटर्न के अंदर इंप्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज ये वो उसकी तरफ तो आएंगे कभी लेकिन ये जो लिखे उसमें मिस्टेक्स नहीं करें ठीक हो गया डबल चेक योर स्पेलिंग्स ऑलवेज एंड बी रिस्पेक्टेबल टू ईच अदर एंड टू मी एज वेल ओके थैंक यू अब बात आती है प्रोडक्ट को ढूंढने की के हम प्रोडक्ट को फिर अब ढूंढते हैं मार्केट तो हमने ढूंढ ली मार्केट क्या है यानी प्रोडक्ट किसको बेचनी है अमेरिका को बेचनी है ठीक हो गया और प्रोडक्ट अब क्या बेचनी है ये भी तो पता करना है ना अब प्रोडक्ट क्या बेचनी है आपके जहन में आया जैसे मैं आपको मजे की बात आती हूँ मेरी रिसेंटली एक स्टूडेंट है मेरा उसको मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ऑफ ऑफ कोर्स वाज पार्ट द प्रीवियस बैच तो उसने मुझे कहा मुझे कहा कि वीडियो गेम्स बहुत पसंद है मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ और मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है और वीडियो गेम्स से जुड़े हुए जितना सेटअप होता है यू you नो know, जितनी वायर्स होती हैं और मुझे नहीं पता मैंने वीडियो गेम्स बचपन में कभी खेलनी थी वो जो मारियो uh, मारियो वाली होती थी एंड बीइंग अ गर्ल मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा ना मैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्लोज रही हूँ कभी तो वो खैर उस बच्चे को ने कहा कि मुझे पता है वो जो पी एस पी प्लेयर होता है जो भी उसकी असेसरीज होती हैं मुझे उन सब का पता है तो मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियो गेम सेल करूंगा मैंने उससे कहा कि आप वीडियो गेम सेल नहीं कर सकते इसकी वजह ये है कि कोई भी इंसान बिजनेसमैन जो होता है ना बिजनेसमैन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो वो चीज ना बेचे जिसकी मार्केट को जरूरत है जैसे मैंने अभी आपको बता दिया अगर तो कोई बर्फानी इलाका है और वहां पर आप जाके एक अच्छे सेल करना शुरू कर दें यू नो शॉर्ट्स तो यू आर अ फेलियर वाई बिकॉज दैट्स नॉट द नीड ऑफ दैट एरिया इसी तरह से अगर आप यहाँ गर्मी में हमारे मौसम में लोन की बजाय खद्दर मोटी खद्दर बिकने लग जाए या हवा के कपड़े जो है वो खद्दर के हों या लीलन के हों कैम्बरिक हो तो क्या वो बिकेंगे दुकान तो बंद हो जाएगी ब्रांड्स की इसी तरह से बच्चों की जो चीजें होती हैं उसकी शॉप्स की दुकानें ज्यादातर स्कूल्स के आसपास होती हैं क्योंकि वहां की नीड होती है बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का होना इसी तरह से पीएसपी एस -पी या वो जो गेम वीडियो की वो बात कर रहा करा उसकी एसेसरीज उस बच्चे को समझ आती है लेकिन क्या वो बेचना प्रॉफिटेबल भी होगा क्या उसके नंबर ऑफ सेलर ज्यादा तो नहीं मतलब कॉम्पिटिशन बेचने वालों का भी ज्यादा तो नहीं क्या लेने वालों का भी कंपटीशन ऐसा तो नहीं कि है ही नहीं मतलब चार पांच लोग हैं जो के उस प्रोडक्ट को बाय करें आपको मेरे सारे पॉइंट्स समझ आ रहे ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इस रिकॉर्डिंग का मकसद होता है आप रीवॉच करें जैसे कि आपने मुझसे वादा किया था और जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ अभी साथ साथ नहीं लिखने जब रिवाइज करेंगे तो आपने साथ साथ ये पॉइंट्स लिखने और मेरा कोई भी पॉइंट मिस मत करना मैंने अगर कभी भी मेरे बताए हुए किसी पॉइंट को आपने मुझसे दोबारा पूछा और मैंने वो पहले बताया हुआ तो मैं डांटूंगी क्यों क्योंकि ये वो क्लास का लेक्चर नहीं जो मैंने दिया और मैं चली गई और आप मेरे पीछे पीछे स्टाफ रूम में आ जाए मैडम क्या बोला था उनका बनता है बताना दस दफा क्यों क्योंकि वो एक दफा बोल के चले जाते हैं मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम है तो मेरी रिकॉर्डिंग में कही हुई बात आपने पहली दफा पिक कर लेनी है और नोट्स भी बना लेने हैं हाँ कोई नई बात हो या जो समझ ना आई हो उसका पूछना जायज है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो अभी तक आपको मेरे सारे पॉइंट समझ आ गए गुड अब लेट्स स्टार्ट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है आज आज हो गई गलती अच्छा जी कहा गया लेट मी शेयर रिकॉर्डिंग शेयर स्क्रीन ओके जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली वन बाय वन अब आप लोग मुझे प्रोडक्ट आइडियाज बताते जाएं नाम एक एक मैं आपकी प्रोडक्ट को रिसर्च करूंगी प्रैक्टिकली और फिर उसके अंदर जो जो फ्लॉज हैं वो बताऊंगी बताऊंगी और एंड पे कि कंप्लीट के, के क्या क्या चीजें हैं इन्हें प्रोडक्ट पॉइंटर्स कहते हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं ठीक है मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ मैं आ, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स नहीं दूंगी ठीक है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटर्न नोट्स दूंगी जब वो आप नोट्स बनाते जाएंगे और मेरी बात जो है मेरे नोट्स को देख के भी उनको लिखना है और इसको सुन के भी लिखना है तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी ठीक है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप मुझे प्रोडक्ट का नाम बताएं जल्दी करें जो जो किसी के जेन में है सेल करने के लिए कि हमें ये सेल करना चाहिए या मैं ये सेल करूंगा या मैं अपने क्लाइंट को एज अ ये प्रोडक्ट बताऊंगा ऐसे असेसरीज नहीं कोई एक नाम बताएं प्रोडक्ट का सब लोग ठीक है यूएसपी ओके okay. कौन सा कटर नेल कटर हमारा मैंने बोला भी है कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करनी है आपने आप अब पी ए बन चुके हैं ऐसे आधी पचंदी बात नहीं करनी कटर क्या कौन सा कटर नेल कटर हेड कटर हेयर कटर कटर स्मार्ट वॉच चलें जी वन बाय वन अब हम देखते जाते हैं सबसे पहले किसने बोला था जुनेरा ने बोला था यूएसबी ओके यूएसबी ले जी जुनेरा यूएसबी अब बड़े गौर से आप लोगों ने देखना है जब आपने यूएसबी लिखा तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गए जब आप लोग लिखेंगे तो आपके पास ये पहला आएगा टाइप सी टू USB, USB to micro टू माइक्रो यूएसबी सी केबल टू यूएसबी ये जो ऑप्शंस है ना रो टू रो थ्री रो फोर रो फाइव रो सिक्स नहीं आएंगे ये आपके पास शो हूं इसके लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है Amazon Suggestion एक्सपेंडर ये कैसे डाउनलोड होगा गूगल पे जाए लिखे Amazon सजेशन एक्सपेंडर गू, ये देखे क्रूम एक्सटेंशन इसे क्लिक करें और ओपन कर लें स्क्रीन ओके अभी नजर आ रही है स्क्रीन ओफो अच्छा गूगल पे जाए मैंने कहा था गूगल पे जाए शेयर स्क्रीन और ये है जी आपका गूगल पे जाए ठीक है ये गूगल पे जाए और गूगल पे जाने के बाद लिखे एमेजॉन सजेशन जब आप सजेशन लिखेंगे ना तो आगे एक्सपेंडर क्रूम एक्सटेंशन खुद ही ओपन हो जाएगा Amazon suggestion expander ये पहला लिंक है इसके ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं ये नहीं पढ़ते ये जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है ये नहीं ये chrome dot google dot com Amazon suggestion expander आपने इसको पहले लिंक को amz suggestion expander को ओपन कर लेने ये आपके पास ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा है क्रोम वेब स्टोर एमेजोन सजेशन एक्सपेंडर आगे लिखा है रिमूव फ्रॉम क्रोम क्योंकि मेरा एड है इसलिए आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम आपका एड नहीं होगा तो आप लोग लिखेंगे एड टू क्रोम आप उसे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद एक दफा आपको अपना पूरा लैपटॉप बंद करना पड़ेगा शट डाउन और शट डाउन करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो फिर ये काम करेगा फिर होगा ये कि ये आपकी ये जो ऊपर बार होती है ना ये वाली बार इस बार पे ये नजर आ रहा होगा ठीक है एक्सपेंड करने वाला साइन अब इसको ये अभी आपको कलरफुल नजर आ रहा है ये पहले ब्लैक होगा बिल्कुल आप इसे क्लिक करेंगे ना तो ये एक्टिव हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप कोई भी कीवर्ड एमेजोन की सर्च बार इसको सर्च बार कहते हैं ना जिसमें आके कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान जो है वो सर्च करता है प्रोडक्ट तो सर्च बार में जब भी कोई कीवर्ड लिखेगा और उसको सर्च करेगा तो आगे सजेशन के तौर पर ठीक है आपको डिफरेंट आइडियाज नजर आना शुरू हो जाएंगे ये पहला तो वैसे ही नजर आता है नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट जो है ना ये सारे आपको suggestion expander की वजह से नजर आएंगे इसका इस्तेमाल क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी के लिए इतना ही काफी है कि हमने यूएस लिखा और हमने इसको सर्च कर दिया जो भी कोई आपकी प्रोडक्ट का नाम आपके जहन में आया आपने लिखा और सर्च कर दिया अच्छा अब कुछ की पॉइंट्स की पॉइंटर्स प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ की पॉइंटर्स हैं जो कि आपने नोट करने हैं नोट ये करना है कि यूएस बी लिख के सर्च किया तो आपने डायरेक्ट नीचे नहीं चले जाना और देखना नहीं शुरू कर देना कि क्या है सबसे पहले आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे एक सर्च बार आ रही है ये ऑल वगैरह के नीचे वन टू सिक्सटीन ओवर सेवन थाउजेंड रिजल्ट फॉर यूएसबी यानी के सात हजार लोग यूएस बी सेल कर रहे हैं इसे कहते हैं आपके इतने ज्यादा जो हैं वो कंपेटिटर्स हैं, सेलर्स एज कंपेटिटर्स यानी आप जब किसी मार्केट में जाए लेट सपोज अमाना मॉल में आप गए अमाना एक बड़ा मॉल एक बहुत बड़ा मॉल है उसके अंदर दस ब्रांड्स बैठे हुए थे जो के कपड़े सेल कर रहे हैं सिर्फ ठीक है तो अब दस ब्रांड्स में से आपने भी अपने कपड़ों की दुकान खोलनी है तो वो आपके दस कंपेटिटर्स हैं जिनसे आपकी कंपटीशन है इसी तरह यूएसबी जिसने अमेजोन पे बेचनी है क्योंकि अमेजोन भी एक बहुत बड़ा स्टोर है जो कि ऑनलाइन है तो वहां पर सात हजार लोग यूएसबी बेच रहे हैं डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू विन इजीली अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करें सात हजार लोग जो पुराने बैठे हुए सेल कर रहे हैं उसमें एक नया बंदा जाकर यूएसबी सेल करना शुरू कर दे तो क्या ये आसान होगा जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में तो आपके ख्याल में नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कितने होने चाहिए अगर आपका जवाब नो no है तो वट डू यू थिंक के नंबर ऑफ कम्पेटिटर्स कितने होने चाहिए क्या है? एक रीजनेबल फिगर आपके जेहन में आता है कि अगर तो सात हजार नहीं है ना हो तो सिर्फ सात हजार आया ना आगे बहुत लाख लाख दो दो लाख भी आ जाते हैं अबू बकर के मुताबिक एक हजार लोग अगर हों तो हमारा जीतना आसान है ठीक है इसके अलावा खातिन और जुनैरा हुमैरा आप लोग भी जवाब दें ठीक हो गया रमजान के मुताबिक जो है वो तकरीबन पंद्रह होने चाहिए ओके लेट मी टेल यू पंद्रह बहुत कम हो जाता है इसकी वजह यह है कि फिर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता हम एक ऐसा क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आसान हो फ्लेक्सिबल हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है तीन हजार के आप जो है कम अज कम तीन हजार लोग हैं ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर आप तीन हज़ार हो तीन हजार एक ना हो ठीक है नंबर ऑफ सैलर्स जो है वो आप तीन हजार तक कर लें चार हजार भी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं लेट्स मेक इट थ्री थाउजेंड इन स्टार्ट अगर फिर कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है और सारे बाकी सारे पॉइंटर्स उसके फिक्स हो जाते हैं तो अगर ये एक पॉइंटर इरिटेट करता है तो फिर हम अपना स्मार्ट वर्क करते हैं वो हम फिर बाद में देखते हैं कि अच्छा ये क्राइटेरिया अगर छोड़ भी दें तो क्या होता है बट अभी जनरली तीन इज अ गुड नंबर फ्रॉम माई साइड ठीक है अच्छा एक्स को लिख लें तीन हजार मैंने बोला अच्छा जी उसके बाद ए, ये तो फिर अब जो प्रोडक्ट आई तो यहीं पे फेल हो गई क्यों क्योंकि यहाँ पे उसके सेवन थाउजेंड कंपेटिटर्स हैं जो कि हम लोगों ने तीन हजार रखा था ठीक है इज इट ओके जिसने भी यूएसबी वर्ड यूज किया उसके लिए एक बात दूसरी बात ये ये यूएसबी जो चीज होती है ना ये होती है फ्लेक्सिबल बेशक इसमें ये वाला मॉडल भी आता है कि यानी कि ये लोहे की बनी हुई होती है या जो भी कोई इसका मटेरियल होता है वाटर प्रूफ किस्म का ये इसमें भी होती है लेकिन अब जो मार्केट में आ रही है ना वो आम तौर पे अगर सारा उसका मटेरियल ये वाला भी हो ना तो कहीं ना कहीं उसको प्लास्टिक का कोई ना कोई पार्ट लगा होता है ठीक है प्लास्टिक का कोई ना कोई पार्ट लगा होता है और ये जो यूएसबीज होती है ये ब्रेकेबल भी होती हैं टूट सकती हैं क्या ये बात सच है कि यूएसबी टूट सकती है और उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर भी आती है इलेक्ट्रॉनिक इस सेंस में कि इसने जाके लैपटॉप के साथ लगना होता है ठीक है और जब तक ये लैपटॉप के साथ लगा के चेक नहीं करते इसकी फंक्शनैलिटी को हमें पता नहीं चलता कि ये जो प्रोडक्ट है ठीक है ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है क्योंकि ये कंप्यूटर्स डाटा स्टोरेज ठीक है वायर्स और केबल्स एडेप्टर्स इस कैटेगरी के, के अंदर आती है तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि इजीली ब्रेकेबल हो टूट जाए जिसके डिफरेंट पार्ट्स हों ज्यादा पार्ट्स हों वो वाली प्रोडक्ट्स और वो वाली प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स या इस तरह की किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड मैं यूज करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर कंप्यूटर्स आ जाते हैं और वायर्स और केबल्स आ जाती हैं ठीक है इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट में आपने नहीं कंसीडर करना इसकी वजह यह होती है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी चेक करनी पड़ती है अगर आपने हजार यूनिट्स पोस्ट करने बनवाए हैं ना या खरीदे हैं हजार की हजार को चलाकर पहले चेक करना पड़ेगा कि यह आई चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर हजार की हजार प्रोडक्ट्स के एक एक पार्ट को ओपन करना पड़ेगा वो मसला नहीं है वो तो हो ही जाता है आपने चेक करना हो तो हो जाता है लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर चेकिंग और फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक होना सेल्फ एक डेंजरस चीज है हम कोई भी प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली से जुड़ी हुई हो चाहे वो एक यूएसबी बल्ब क्यों ना हो हम वो स्टार्ट में नहीं करते ट्रिक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स इन स्टार्ट डू यू गेट माई पॉइंट क्योंकि स्टार्ट में बजट थोड़ा होता है जो बजट हमारे पास होता है उससे हमने सेफ प्ले करना है अगर चीज डैमेज हो गई उसके पैसे भी भरो कोई चीज का किसी का कवर मिसिंग हो गया वो भी रिटर्न देखो ये बड़ी टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देती है बातें इस वजह से स्टार्ट में वी ट्राई टू मेक इट सिंपल वट वी डू वी ट्राई टू मेक इट सिंपल एवरी वन चैट बॉक्स में बताए वट वी डू इन स्टार्ट कम ऑन एवरी वन स्लो स्लो कोच है आप सब बहुत जल्दी जल्दी जवाब दिया करें अबू बकर हुमैर वट वी डू वी ट्राई टू मेक इट सिंपल हरी आप जल्दी चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्रोडक्ट एंडिंग के लिए स्टार्ट में वी जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल इसको प्लीज मुझे बताए हो गई इसके अलावा मुझे किसी ने प्रोडक्ट बोली थी अः फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि स्मार्ट वॉच स्मार्ट वॉच तो वैसे ही निकल गई वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है राइट स्मार्ट वॉच इलेक्ट्रॉनिक इस सेंस में के इट वर्क विथ सेल्स इसके अंदर सेल पड़ते हैं जिसको लोग गोरे जो है बैटरीज कहते हैं हम सेल कहते हैं बैटरीज डलती हैं बैटरीज जो होती हैं इट इज आल्सो रिलेटेड टू समथिंग जो कि फंक्शनल होता है ठीक है यानी कि वो चीज काम करती है और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी आती है तो क्या हम स्मार्ट वॉच करेंगे हम स्मार्ट वॉच नहीं करेंगे अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्लॉदिंग के लिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि स्टार्ट में जो कैटेगरी है ठीक है वो कैटेगरी हमने रखनी है होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की भी सारी प्रोडक्ट्स नहीं होती ठीक है वट आई एम इज़ ये आपको कैटेगरी का कैसे पता चलेगा ये देखें आप सिंपल एमेजोन के फर्स्ट पेज पे आ जाए और ये ऑल लिखा हुआ है आपको ऑल का बटन नजर आ रहा है अगर आप इस ऑल पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये देखें ये नीचे आ रहा है प्राइम वीडियोस, म्यूज़िक, इको, एल्सा, फायर टैबलेट्स, फायर टीवी ये सारी चीजें उसके बाद आप आज एमेजोन फ्रेश क्लॉथिंग ज्वेलरी वाचि मूवीज एंड म्यूजिक ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर स्मार्ट होम होम गार्डन एंड टूल पेट सप्लाई फूड एंड ब्यूट एंड किडमेड स्पोर्ट आउटडोर दैटेगरीज ये जो जितनी ये कितनी ज़्यादा है ऑल द कैटेगरीज़ ये सारी की सारी जो है वो एमेजोन के ऊपर चीजें सेल हो रही हैं इस कैटेगरी के, के अंदर हमने इन सारी कैटेगरीज में चीजें सेल नहीं करनी स्टार्ट में बजट कम होने की वजह से भी और रिस्क कम करने के लिए भी हम स्टार्ट करते हैं हमेशा नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं करनी अब अगर कोई मुझे पूछे तो ब्यूटी प्रोडक्ट इसलिए नहीं करनी क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट जो होती है ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसका स्किन के साथ इंटैक्ट हो यानी आपकी स्किन के साथ वो प्रोडक्ट का टच हो या वो प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर जा सके और बाहर निकले फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसन कोई फूड ठीक है इसी तरह से जो स्किन के साथ लगे जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सारी प्रोडक्ट्स स्किन के साथ टच करती हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल इश्यू निकल आए और किसी पर्सन की डेथ हो जाए आपकी प्रोडक्ट की वजह से यहाँ किसी की स्किन खराब हो जाए डैमेज हो जाए हमारे पाकिस्तान में ही फायजा ब्यूटी और, और कौन सी ब्यूटीज हैं जो भी हैं कोई फेमस किस्म की ब्यूटी गोल्डन पर्ल टाइप ये सारी प्रोडक्ट्स खुले आम बिकती होती हैं ठीक है थीके? लेकिन गौरों के यहाँ ऐसा नहीं होता दे हैव प्रॉपर सिस्टम तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स ठीक है इट कुड बी डेंजरस फॉर द हेल्थ और द स्किन इसके लिए आपको स्पेशल जो है वो चाहिए होती हैं परमिशन फ्रॉम एमेजो एमेजोन जो है एक तो आपसे परमिशन लेता है प्रोडक्ट्स के कुछ टेस्ट होते हैं कुछ यू you नो know, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है तो स्टार्ट में हम इतनी टेंशन नहीं ले सकते क्योंकि इन सब के पैसे लगते हैं

करें देखिये बच्चों के प्रोडक्ट्स में ढेर सारे मसले होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर कोई टॉय है वो खेल रहा है वो उसे खा ले अचानक उसके मुंह में कोई चीज चली जाए कोई छोटा सा पार्ट बच्चे को तो नहीं पता वो तो एक खास उम्र तक सिर्फ चीजों को खाता ही है उसे तो भी दे दो उसने मुंह में डाल लेना तो बच्चे को अगर बेबी को अगर कोई ऐसा नुकसान पहुंच जाए उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से हर किस्म की तसली एमेजोन को देनी पड़ती है और फिर खुद भी डर लगा रहता है कि ये ना हो कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाए इन स्टार्ट तो इसलिए भी हम ये प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं आप बच्चों के आप मुझे के कपड़े तो बच्चों के कपड़ों का भी एक इशू ये है कि कपड़ों में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है वेरिएशन का मतलब समझते हैं आप जब आप बाजार जाते हैं तो आपने शर्ट खरीदनी हो आपके बेबी का जो आपका बच्चा सबसे छोटा है उसका साइज स्मॉल होगा उसके बाद आपका साइज मीडियम है आपके जो बड़ा बेटा है उसका साइज साइज एक्स सॉरी लार्ज है आपके का डबल है आपके का डबल मेरी बात समझ रहे हैं फिर अब आपके बच्चे को ब्लू कलर चाहिए सेम शर्ट में आपको अच्छी लगी है येलो आपके बड़े बेटे ने कहा कि मुझे ब्राउन चाहिए और आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे ग्रे कलर की शर्ट चाहिए तो सपोज करें ब्रांड था पोलो और पोलो ब्रांड के अंदर ही स्मॉल से लेकर डबल एक्सल यानी चार पांच साइज और फिर हर साइज में तीन चार पांच छह सात आठ कलर्स तो ये वेरिएशन हो जाती हैं जब भी हैं, हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको पता है हम उसके अंदर वेरिएशन ढूंढते हैं मुझे येलो कलर नहीं चाहिए मुझे ब्लू चाहिए मुझे ब्लू नहीं चाहिए मुझे रेड चाहिए मुझे रेड नहीं चाहिए मुझे ब्लैक चाहिए ऐसे ही है तो वो एक कलर की एक प्रोडक्ट होती है और अगर एक प्रोडक्ट को बनने में मिसाल दे रही हूं एक डॉलर लगा तो छह कलर की प्रोडक्ट्स बनने में कितना कितने पैसे लगे चले जल्दी से मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हैं अगर एक प्रोडक्ट यानी वाटर बॉटल एक वाटर बॉटल एक रुपए की बनती है एक डॉलर की मिसाल दे रही हूं और छह कलर्स की वाटर बॉटल बनानी हो तो कितने पैसों की बनेगी डॉलर के स्पेलिंग वेरी गुड छह डॉलर की बनेगी शाबाश तो छह डॉलर की प्रोडक्ट है अब हम जब स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं ना एवरी वन तो हम लोग जो है वो ये करते हैं कि हम लोगों ने हरगिज भी स्टार्ट के अंदर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का बजट होता है हमारे पास या हम ग्रीन कलर की प्रोडक्ट बेचेंगे या हम रेड कलर की प्रोडक्ट बेचेंगे या हम ब्लू कलर की प्रोडक्ट बेचेंगे इससे ज्यादा की हम नहीं बेच सकते ठीक है क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट का बजट रखा हुआ है कि भाई हम सिर्फ एक डॉलर की प्रोडक्ट ही बनवा सकते हैं तो आपने वेरिएशन को अवॉइड करना है स्टार्ट में प्रोडक्ट के अंदर ना साइज़ की वेरिएशन हो ना कलर की वेरिएशन हो ना मटेरियल की एक चीज़ जो है वो प्लास्टिक की है दूसरी जो चीज़ है वो आप मिसपोज करें कि एक चीज प्लास्टिक की है और एक चीज़ है वो वुडन की है है, स्पैचुला हांडी बनाने वाला स्पैचुला होता है ना वो कोई कभी प्लास्टिक का होता है और कोई जो है वो सिल्वर में होते हैं ठीक है स्टील में होते हैं कोई प्लास्टिक में होते हैं या फिर कोई सिलिकॉन में होते हैं तो ये इस तरह एक ही प्रोडक्ट चार पांच की कलर के अलावा मटीरियल की वेरिएशन में भी ना आए ठीक हो गया आपको समझ आ गई तो इसीलिए स्टार्ट में हम ये होम गार्डन एंड टूल्स ठीक है या इस कैटेगरी में जाते हैं इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है अमेजोन होम देख लें उसके बाद जो है वो फर्दर जो भी डेकोरेशन की कोई चीज देख लें किचन एंड डाइनिंग मैंने कहा होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग किचन एंड डाइनिंग को देख लें ठीक है गार्डन एंड आउटडोर को देख लें फर्नीचर बहुत हैवी होता है इतना भारी भारी प्रोडक्ट्स नहीं करनी होती प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा वेट टू पॉइंट होना चाहिए कितना होना चाहिए एवरी 2.2 lbs, 2.2 lbs और जरा टू पॉइंट को कन्वर्ट करें केजीज में कितने किलो का बनता है ओमेन किचन में भी देखे ना अभी यहाँ पे अप्लायसेज आ रही है लाइटनिंग आ रही है तो इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है सिंपल होम की चीजें या फिर उसके अंदर आपके पास जो है वो किचन की कोई आइटम्स होनी चाहिए या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कोई यानी स्पोर्ट्स है ना इस स्पोर्ट्स के अंदर आप देख लें जो रीजनेबल प्रोडक्ट हो या फिर आउटडोर की कोई प्रोडक्ट देख लें 2.2 पॉइंट टू एलबी को जरा के में कन्वर्ट करके बताएं कितना बनता है पॉइंट नाइन नाइन एट अच्छा एलबीज हाँ ठीक हो गया जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन एट की यानी के एक किलो की तकरीबन दो किलो चार पाउंड ठीक है सॉरी मैंने आपको उल्टा बता रही थी ओहो टू पॉइंट टू किलोज ठीक है कि प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि चार पाउंड की होती है तकरीबन ठीक है किलोज में टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू किलो से ज्यादा की प्रोडक्ट ना हो नहीं 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 क्या बोली जा रही हूँ मैं एक के जी बनती है ना वो पॉइंट में आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया ये तो वो चेंज हो जाता है हम 2.3 पॉइंट करके देखते हैं 2 के क्योंकि एक किलो की प्रोडक्ट होनी चाहिए किलोज में एक से ज्यादा हाँ 2.2 की बजाय आप 2.3 कर लें चलें 2.2 पॉइंट पाउंड या 2.2 पॉइंट टू की प्रोडक्ट हो जो कि एक किलो की प्रोडक्ट है एक किलो वजन से ज्यादा की प्रोडक्ट नहीं रखनी क्योंकि आप अगर एक किलो से ज्यादा की प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो ये महंगी हो जाती है क्योंकि एमेजोन आपको जो है वेट के हिसाब से फीस चार्ज करता है मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं कभी टीसीएस करवाया हो खुद जाके या कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो किसी भी कोरियर कंपनी को यूज करने का तो आपको पता है प्रोडक्ट अगर वजनी ज्यादा होती है तो वो आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं चाहे प्रोडक्ट का साइज छोटा हो लेकिन उसकी वजन ज्यादा हो तो दे चार्ज यू हायर के भाई ये कराची पहुंचाना है या ये अगर पाकिस्तान पहुंचाना है तो दे चार्ज यू मोर वाई बिकॉज वेट के हिसाब से बेसिकली शिपिंग के चार्जेस होते हैं तो इसी तरह एमोस Amazon जो होता है ना वो भी आपकी प्रोडक्ट को जब बेचता है यानी आपको आपके क्लाइंट को आ, ने आपको ऑर्डर दिया और अब Amazon ने आपकी प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाना है आपके कस्टमर के घर तक तो अगर आपकी प्रोडक्ट का वजन ज्यादा होगा तो Amazon आपसे ज्यादा फीस लेगा ठीक हो गया तो इसी वजह से जो है वो आपने अपने जेन में ये पॉइंट रखना है कि कि आपकी प्रोडक्ट 2.3 यानी किलो से ज्यादा की की वजन ना हो तो अभी फर्नीचर वगैरह ठीक है ये बहुत भारी होते हैं ये एक किलो के तो नहीं होते ना तो कोई भी प्रोडक्ट जो वेट में ज्यादा हो वो भी आपने अवॉइड करनी है जैसे ये आपको फर्नीचर नजर आ रहा है सोफे नजर आ रहे हैं ठीक है इस तरह की भारी भारी चीजों नहीं आपने करनी तो ये है सारी के सारी कुछ कुछ हमने प्रोडक्ट पॉइंटर्स आज कवर किए हैं अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने आज बैठना है थोड़ी देर के लिए जरूर वक्त निकालना है और ये जितने भी पॉइंटर्स है ना इनको पहले तो लिखना है जो मैंने लिखे हैं आपको अभी बताए हैं मैं आपको रिटर्न में नहीं दूंगी आज पहले आप ये खुद करेंगे ठीक है रिटर्न नोट्स नहीं मैं दूंगी खुद लेक्चर सुन के ये पॉइंटर्स बनाए प्रैक्टिस करें आई I मीन mean, और फिर उसके बाद जरा ऐसे ही आपके दिल में जो भी कोई प्रोडक्ट आती है उसका नाम लिखें और लिखने के बाद चेक करें कि ओहो इसका वजन तो ज्यादा नहीं है अब आपको मैं ये बता दूं वजन ज्यादा कैसे देखना है फॉर एग्जाम्पल नाइफ होल्डर एक प्रोडक्ट है जो कि हमने देखी ये देखिये यहाँ पे आठ 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 है ना यानी आठ आठ सौ ठीक है तो ये तीन हजार से कम है इट इज फाइन आप नीचे आए नीचे आने के बाद आपने कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर ली फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये प्रोडक्ट अच्छी है मैं ये सेल करती हूँ आपने जब नीचे आए तो यहां आने के बाद आपने देखा कि इस प्रोडक्ट में की कोई वेरिएशन तो नहीं वो ये जो लिखा हुआ है ना ये इसे कहते हैं टाइटल 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 के नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर वेरिएशन अगर हो ना कलर की या साइज की तो वो यहीं पे लिखी होती है अच्छा आप उसके बाद नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आट, आइटम का वेट होता है जो कि है 4.4 पाउंड्स तो अभी हमने देखा कि 4.4 पाउंड्स जो है ये हमारे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये तकरीबन दो किलो की प्रोडक्ट बनेगी तो ये हमारी कैटेगरी में नहीं आती तो अभी मैंने जितने पॉइंटर्स बताए हैं ना वो आपने इस तरह से देखने हैं फिर उसके बाद बात आ जाती है कि कैटेगरी का तो खैर आपको वैसे ही पता चल जाएगा उसकी वजह यह है कि होम एंड किचन और किचन और डाइनिंग वगैरह की प्रोडक्ट्स का आपको पता चल जाएगा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना हो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट देखी तो वो इलेक्ट्रॉनिक ना हो अच्छा कैटेगरी का इसके अलावा भी पता चलता है ये जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना इसमें आप आ जाओ तो यहाँ पर बी एस आर बेस्ट सेलर रैंक लिखा होता है ये क्या होता है मैं बताऊंगी हेनी वेज बेस्ट सेलर रैंक के आगे आपको नजर आएगा देखें किचन एंड डाइनिंग कि ये किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट है ठीक है तो इस तरह से आपको इसकी कैटेगरी का भी पता चल गया कि कैटेगरी जो मैं देख रहा हूँ एंड डाइनिंग हो या फिर होम से रिलेटेड हो किचन से रिलेटेड हो वही कैटेगरी है इतनी सारी बात सबको समझ आ गई ये थोड़ा सा स्टार्ट में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये थोड़ा नहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी होता है क्योंकि प्रोडक्ट आपने अगर गलत चूज कर ली तो आपके सारे पैसे डूब जाते हैं इसलिए इन पॉइंटर्स को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं कब से बोली जा रही हूँ कब से नहीं स्क्रीन शो हो रही थी आप लोग मुझे बताया तो करें अभी शो हो रही है हो रही है अब बकर बता रहा है तो ये मुझे रमजान आपको क्यों नहीं शो हो रही थी आपने मुझे लगता है कि वो आ, किसी और को अपनी फ्रंट स्क्रीन पे ले आए होंगे वो बाजात जब आप देख रहे होते हो ना तो किसी और का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है वो आपने इसको स्क्रोल करना होता है अगर मोबाइल पे हो तो स्क्रोल करना होता है और स्क्रीन जहां शो हो रही है वहां पे क्लिक करना है डिफरेंट विंडोज ओपन आप मोबाइल से हो मोबाइल से लॉग हो इसीलिए मोबाइल से लॉग इन हो तो अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ए, स्क्रीन जो शो हो रही होती है ना उसके साथ और भी स्क्रीन होती हैं बाजा अवकात जो स्क्रीन शो हो रही होती है वो पीछे चली जाती है किसी और का नाम में भी हमारा हमारा जुनैरा या बुबकर इस तरह आपके सामने आ रहा हो या मे भी मेरा नाम आ रहा हो या मेरी पिक्चर आ रही हो लेकिन वो जो मैं शेयर कर रही हूँ वो भी साइड में उन्हीं के अंदर से एक होगी ट्राई टू फाइंड डेटा अभी मिली है आपको ओके एवरी वन थैंक यू फॉर योर टाइम स्टार्ट में भी हम इसी तरह चलेंगे हम ये चाहते हैं कि हमें जो हम जो करें वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए बजाय इसके के वो कहते हैं ना अग्गा दौड़ पीछा छोड़ Means के हमें समझ कुछ ना आए और हम जो है ना बस बजे कवर करके बैठ जाए मेरा मेन मकसद है कि जो मैं सिखाऊं उसके अंदर आपको हर चीज समझ आनी चाहिए और उसके अंदर कोई मसला या परेशानी ना हो तो अभी तक जितना बताया है ये आधा इंफॉर्मेशन है अफकोर्स अभी प्रोडक्ट हंटिंग की या प्रोडक्ट पॉइंटर्स की लेकिन आपने जो है ना उनको प्रैक्टिस करना है और देखना है प्रैक्टिकली कर करके ठीक है जो चीज़ें मैंने बताई है उनको जेन में रखते हुए नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है लेक्चर रिवाइज करेंगे ना तो सब आसान हो जाएगा जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं ना ऐसे ही लगता है कि जैसे पता नहीं कितना पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ लिया मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है बहुत आसान है ये मैं खुद अपने मुंह से कहती हूँ कि मैं बहुतों से मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ाती हूँ और मैं बहुत स्लो स्लो भी पढ़ाती हूँ रिपीट कर करके आप मेरा लेक्चर रिवाइज कीजिएगा रिवाइज करते हुए रजिस्टर के ऊपर साथ, -साथ पॉइंट्स लिखते जाइएगा आपको बहुत मजा आएगा इट इज वेरी इजी ओके और मैं तो यहाँ हूं अगर फिर भी टफ लगा तो आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प चले विश यू वेरी गुड लक अब आप लोगों ने इस इन चीजों को जेहन में रखते हुए रिसर्च करनी है ठीक है ताकि आपको आपके हाथ से एक दफा चीजें गुजरें ओके एवरीवन थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम कल भी मिलते हैं इनशाला तला पांच बजे एंड आई आई होप मैं दोबारा फोन ना छोड़ दू गाड़ी में थैंक <laughs> यू अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिये घर वालों को सबको सलाम दीजिएगा बच्चों को प्यार कीजिएगा और अच्छे से काम करके आइएगा कल काम करके आना जरूरी है ठीक है और वो कमिटमेंट भी नहीं भूलनी आप लोगों ने क्या थी वो कमिटमेंट डेली का आधा घंटा तो आपने लाजमी देना है अमेजोन को जी एक घंटा आधा घंटा लाजमी देना है एवरीवन थैंक यू अल्लाह